नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आर भारत टीवी से, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का हुजूम भरा पड़ा है और इसी रास्ते से हमारे शहीद धर्मेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये सारे जो लड़के हैं ये आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, और इन लोगों का जोश और जुनून देखकर ऐसा लगता है कि शायद भारत माँ की सेवा करने के लिए ये हमेशा तत्पर हैं। आइए हम जानते हैं इन लोगों से। अपना परिचय दीजिए। हमारा भी तैयारी करते हैं, मेरा आर्मी भी क्लियर हो चुका है, बस एग्जाम बाकी है, हम उद्देश्य नंबर मिल तैयार है। अभी यहाँ पर किस लिए आप लोग खड़े हैं? जो शहीद आ रहे हैं मतलब जो सब जुनून के लिए हैं, उनके जुनून के लिए हम लोग खड़े हैं। तो एक बार थोड़ा भारत माता की जय का नारा लगा। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। आइए बात करते हैं हम यहाँ की ग्रामीण जनता से। सर आप बताएंगे कुछ? बड़ी दुख की बात है, हमारे वीर धर्मेंद्र शहीद हो गए, इसके लिए हमारे पूरे प्रखंड की जनता बहुत काफ़ी शोक व्यक्त कर रही है, और हम उनके स्वागत में यहाँ खड़े हैं। हम सभी लोग भले दुख के आंसू रो रहे हैं, लेकिन गर्व है हमको कि हमारे वीर सपूत जाकर के देश के लिए शहीद हुए हैं। मेरा नाम राजन सिंह हुआ और बगल के नटवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और जब से हम लोगों ने सुने हैं इस घटना को, तब से हम लोग पूरा परिवार और पूरे मित्रों के साथ भावुक हैं, और ये भावुक होने के साथ साथ गर्व करने का भी क्षण है। और वीर धर्मेंद्र का हम लोग श्रद्धांजलि सभा को इस तरह मनाना चाहते हैं कि हमारे युवाओं में एक अलग टाइप का जोश हो, और वो इस चीज़ को देखने के बाद हमारी माँ भारती को सेवा करने का अलग उसमें एक जोश आ जाए। सर, पूरे भारतवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर वीर जवान के लिए? पूरे भारतवासियों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारे वीर जवान अपने पूरे परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए निरंतर लगे रहते हैं। अगर वो है तभी हम शांति और चैन से अपना खेती बाड़ी, गाय बकरी और अपना जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। इसलिए इन सब वीरों को हम लोग सिर्फ मृत्यु के उपरांत ही नहीं, अगर वो हमारे गांव घर आस पड़ोस में कहीं भी दिखे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भाव से देखना चाहिए। थैंक यू। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम करमई गांव है, बोलिए। करमई गांव है, वार्ड सदस्य हैं हम अपना। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? खड़ी है कि हमारा जो कि बगल गांव विक्रमगढ़ अनुमंडल के मैधा के रहने वाले हैं धर्मेंद्र कुमार जी, और उनकी पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया जा रहा है। यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ, और ये बोल नहीं पा रहे हैं। अभी आपके एक बेटा शहीद हुआ है इस गाँव का, देश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि देश के लिए जब शहीद हो गया तो उनको बदला लेना चाहिए। हालांकि ये पेट्रोलिंग ड्यूटी में थे और गाड़ी खाई में पलटने की वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं एक बार हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे शहीद जवान कुमार जी के पार्थिव, जैसे ही हमारे अनुमंडल क्षेत्र और उनके ग्रामीण एरिया में जैसे ही उनका आगमन हो रहा है, यहाँ के हरेक जैसे ही वो खड़े हैं, और ये यहाँ के बलुआही ग्राम की जनता है, न जाने कितने सारे लोगों में कितने ऐसे लोग होंगे जो कि आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, और उनके लिए ये जोश और जुनून। तो हम
हम अभी आ चुके हैं उस गांव और उस मिट्टी के पास जहां से कि हमारे लाल धर्मेंद्र कुमार जी का सपना था कि वो जाकर भारत माँ की सेवा करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि उनके गांव पे उनके आखिरी विदाई के लिए किस तरीके की तैयारी और यहाँ पे लोगों का जो हुजूम उमड़ पड़ा है उनके लिए, उनकी आखिरी दर्शन के लिए, ये शायद बता रहा है कि भारत माँ के लाल को खोने का दर्द कितना गहरा है। भारत माता की जय। भारत माता के भारत के वो जवान जो कि अपने ड्यूटी के में पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी खाई में जाने की वजह से आज ये अपने भाई तो यार गांव की तरफ नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया, बोल रहे हैं मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस वक्त मैं रोहतास जिले के विक्रमगंज में अनुमंडल में उपस्थित हूं और देखा जा रहा है कि रोहतास और भोजपुर बॉर्डर से शहीद धर्मेंद्र कुमार की बॉडी को लाया जा रहा है, यानी पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और यहाँ सीधे उनकी बॉडी विक्रमगंज की तरफ आ रही है और यहाँ से सीधे ये मैथरा की तरफ जाएगी इनके गाँव की तरफ। तो हम सीधा प्रसारण देख रहे हैं आर भारत चैनल के बारे खबर रोहतास के विक्रमगंज से। शहीद धर्मेंद्र कुमार सिंह के पार्थिव शरीर उनके गांव विक्रमगंज मैधरा में लाया गया। शहीद धर्मेंद्र कुमार सिंह के अंतिम दर्शन के लिए हजारों हजारों की संख्या में लोग रोड पर लाइन लगाकर जय हिंद वंदे मातरम के नारे लगाते हुए इस जन सैलाब में हुए शामिल। कोई पैदल तो कोई बाइक से हिनारे लगाते हुए उनके पार्थिव शरीर के पीछे पीछे आते गए। आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों ने भी मोहनी बॉर्डर से जन सैलाब के साथ शहीद धर्मेंद्र कुमार सिंह के गांव मैधरा पहुंचे, जिसमें रोहतास एसपी आशीष भारती, डीसीएलआर मधुसूदन प्रसाद सहित मेजर सुरेंद्र कुमार यादव, नायक सूबेदार बलविंदर, पूर्व विधायक जय कुमार सिंह, काराकाट विधायक अरुण सिंह, विक्रमगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, मीडियाकर्मी, ग्रामीण जनता आदि के साथ राजकीय सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बताया जाता है कि शहीद धर्मेंद्र कुमार सिंह की मौत कश्मीर के पोखवाड़ा में पेट्रोलिंग ड्यूटी के दरमियान गाड़ी खाड़ी में गिरने से घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तिरंगे में लिपटा शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो उनके गांव का माहौल मातम में बदल गया। शहीद के 6 वर्षीय पुत्र तेज प्रताप सिंह ने अग्निमुख देकर रो पड़ा।
गाड़ी पहले हम लोग आने आने आगे आने गए आप सब आगे आगे रहे हैं हम लोग हम लोग इंसान भी गए प्रशासन मार के चले हर भारतीय के शत्रु भारत माता की भारत माता की भारत माता की इधर से पास से चले गए चलिए हम लोग डीएम साहब सर को इधर बोल दीजिए ना एक साथ खड़ा हो जाएंगे इधर ही हो जी नहीं इधर बंद हो एक साथ बोला पत्रकार बंधु एक तरफ हो जाइए आप हवा करो हवा करो हवा करो चल चल
कोई मदद होगी तो आपको बताइए। रोड के लिए हम डीएम साहब को बोल देंगे कि हाँ ठीक है, वो मिला है आपका कागज था ना तीन चीज लिखा हुआ मिला है हम लोग को, तो उसको हम करवाते हैं। एक रोड में फालतू अच्छा ठीक है, जो उसको होगा ना सर, एक रोड का जो नामकरण नहीं निकला उसको जोड़ दीजिएगा। नहीं चेयर नहीं लगेगा। सुनिए ना, चंदन चंदन चंदन, लेकिन थोड़ा सा जिनके लाख है उनको थोड़ा सा देख लेना जाए। आप बात चले चलिए इधर भी कर लीजिए भाई, ये पीछे का टाइम था या चलो तो लगा दर मेरे का चीज हो बताए। अरे और पीछे चला जा, सब जब साथ देखिए खाली में। आप सबसे निवेदन बा कि कम से कम इस पंडाल खाली कर दीजिए थोड़ा सा खाली। धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद, धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद, धर्मेंद्र सिंह शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का ताकि यही निशा होगा। धर्मेंद्र सिंह रुकी जा, एक मिनट का भी रुकी जा, सबको रोका था, दूजा एक मिनट का भी रुक बेटा माला लो ना है ओ ये बतादा कीजिएगा नाना का पिताजी हेलो खुले रहता काने के पूछो ना नाना फूल ले ले पूरा अब यार फूल ले ले बड़ा ना दे ले रे जरा खड़ा दे दे हां ये पिताजी ए भैया देख रहे हैं इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अक्षय वचन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के ग्राम मैथरा में उपस्थित हूं, और यहां अभी देखा जा रहा है कि पीछे में अमर शहीद के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। सर अभी विक्रमगंज प्रखंड के खैरा बुद्धा पंचायत के मैथरा गांव में धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह जवान शहीद हो गए हैं, जिनका आज 30 तारीख को पैतृक गांव में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके तहत सर पीड़ित परिवार को सरकारी सुविधाएं क्या दी जा रही है? नियमानुसार जो भी सुविधाएं दी जानी है वो दी जाएगी, नियम के तहत जो भी बनता है वो सरकार
सरकारी सहायता या जो भी चीज़ है नियम के तहत जो भी दिया होगा वो दिया जाएगा। परिजनों को सर द्वारा कुछ विशेष मांग जो मांग रखी गई जिसमें चार मांगें महत्वपूर्ण है, क्या उस मांगों पर क्या विचार किया जाएगा? उस पर जिला प्रशासन गौर करके उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उनके तरफ से एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें कुछ मांगे रखी गई है, जिलाधिकारी महोदय को इस मांगों से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई जो होगी नियमानुकूल कार्रवाई जो होगी। जी सर आपका उधर देखो, सोचो जा क्या नाम है बेटा? तेज प्रकाश सिंह आर्यन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल आर भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यूज़ से आप रूबरू हो सके। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, मिलेंगे अगले खबर में। धन्यवाद।